मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग आज हम बना रहे हैं पिज्जा दो तरह से एक पायल बनाएगी और एक मम्मी बनाएगी। ठीक है तो चलिए आज नाश्ते में बनेगा ब्रेड पिज्जा। पिज्जा मैदा वाला नहीं, ब्राउन ब्रेड पे बनाएंगे पिज्जा हेल्दी टेस्टी तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा और आइए बनाते हैं फटाफट ये मैं ले रही हूँ चार चम्मच सूजी सूजी मोटी बरी आप कैसी भी ले सकते हैं जैसी आपके घर में हो और ताज़ा दही डाल रही हूँ तीन चम्मच इसमें आपको बैटर थोड़ा पतला रखना है तो आप तीन चम्मच नहीं तो आप दो चम्मच भी डाल सकते हैं थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं थोड़ी सी कटी हुई प्याज थोड़ी सी शिमला मिर्च और थोड़े से कोण डाल लेंगे और थोड़े से डाल लेंगे टमाटर गाजर हो आपके पास तो आप गाजर भी डाल सकते हैं इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया है हरा आप चाय तो डाल सकते हैं आप कहेंगे कि पिज़्जा में कौन धनिया डालता है तो मुझे टेस्ट पसंद है धनिया का तो इसलिए मैंने धनिया भी डाल लिया था इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक और अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा ये मिक्स हब्स जो पिज़्जा पे सीजनिंग आती है ना तो ये वाली मैं मिक्स कर दूँगी इसमें ऊपर से तो डाल ही सकते हैं मिक्स कर देंगे तो अंदर तक फ्लेवर आ जाएगा और थोड़ी सी डाल दिया मैंने लाल मिर्च तीखेपन के लिए हरी मिर्च मैंने नहीं डाल लिया है क्योंकि पायल थोड़ी सी कम खाती है हरी मिर्च इस तरह मतलब अगर वो इस तरह आ जाएंगी तो वो नहीं खाएगी फिर तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा इनो भी डाल देंगे आधा चम्मच जिससे बैटर थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा इनो डाल के मैंने रख दिया था तो ये फूल गया है अब हम ब्रेड लेंगे ब्राउन ब्रेड है ये और इन पर लगा लेंगे चिली सॉस पिज़्ज़ा सॉस मेरे पास नहीं थी तो मैंने चिली सॉस ही लगा लिया है इस पर अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो वो आप वो भी लगा सकते हैं वो आपकी इच्छा है बैटर को मिक्स करेंगे और अच्छे से इस पर फैला लेंगे चारों तरफ अच्छे से फला लीजिए आप जैसे हम सूजी का चिल्ला वगैरह बनाते हैं ये उसी तरह का बनता है बस एक तरफ इस पर ब्रेड लगा देते हैं और एक तरफ से ये ऐसे ही सिक जाता है तो इतने बैटर से मेरे तीन पिज्ज़ा बन के तैयार हुए हैं ये चार भी बन सकते थे अगर आप थोड़ा पतला पतला फनाएंगे तो चार भी बन सकते हैं अभी मैंने तीन ही बना लिए हैं और पायल ने लगा दिया तवे पर घी क्योंकि पायल और मैं दोनों बना रहे हैं तो वो भी मेरी मदद कर रही है थोड़ी थोड़ी ये लीजिए ये मैंने रख दिया है इस पर और थोड़ा आप अच्छे से रखने के बाद भी सेट कर दें और एक तवे पे तीन आराम से बन जाते हैं चार भी बन जाते हैं ब्रेड अगर थोड़ी छोटी होती है अगर आपके पास ढक्कन बड़ा है तो आप के भी पका सकते हैं नहीं तो आप ऐसे ही खुले छोड़ दीजिए और गैस को थोड़ा मंदा रखना है मुझे पता नहीं चला था और पायल ने गैस थोड़ी तेज ही कर दी थी तो मुझे एकदम से स्मेल आई तो मैं देख रही थी कि वो नीचे से थोड़े से लग गए हैं और मैं चा जल्दी बाजिब में चक्कू से ही पलटने लगी इनको जो थोड़ा सा बिगड़ गया उसके बाद मैंने फिर ये ले लिया है पलटा तो इससे पलट रही हूँ ये बहुत अच्छे से करारे हो गए नीचे से और अब मैं इन्हें पलट दूंगी तो अब हम जिधर सूजी लगी है ना इधर से भी इन्हें बिल्कुल करारा होने तक पकाएंगे तो ये धीमी गैस कर दिया मैंने आराम आराम से पकेंगे अब इसे तो मैं रख देती हूँ पकने के लिए और जो हमें दूसरे पिज्ज़ा बनाने हैं दूसरी तरीके से अब हम उसकी तैयारी कर लेंगे और इस पर मैंने थोड़ा थोड़ा सा घी डाल दिया है चारों तरफ ताकि ये अच्छे से करारे हो तक होने तक पक जाए और गैस कर दिया है मंदी तो अब हम दूसरी तरह से पिज्ज़ा बनाने की तैयारी कर लेते हैं इसके लिए लिया मैंने ब्रेड चार ब्राउन और इन पर लगा लिया है चिली सॉस अगेन चिली सॉस ही लगा रही हूँ मैंने बताया आपको मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है इस समय तो ये मैंने इस पर अच्छे से फैला लिया है आप तखा खाते हैं नहीं तो आप सिंपल सॉस भी लगा सकते हैं इस पर मैं डाल दूँगी थोड़ी थोड़ी सी म्योनीज ये एगलेस म्योनीज है तो ये वाली जब भी बर्गर वगैरह बनाते हैं तब भी यही लगाते हैं काफ़ी दिन हो गए मैं ये एक पैकेट लाई थी यही चल रहा है बहुत दिन से तो इसे भी अच्छे से फैला लेंगे इसके ऊपर और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे सब्जियां पहले तो हम इस पर डाल देते हैं थोड़ा सा ये मिक्स सब्स ताकि मसाले इसमें अच्छे से आ जाएँ और इसके बाद हम इस पर लगाएंगे सब्जियाँ थोड़े थोड़े से कोन डाल देंगे एक कोण का पैकेट भी सब्जी वालों के यहाँ आराम से मिल जाता है और ये बहुत टेस्टी लगते हैं इनकी सलाद भी काफ़ी टेस्टी लगती है ऐसे ही हम थोड़ी थोड़ी सी प्याज डाल देंगे अगर आप प्याज खाना पसंद नहीं करते तो प्याज आप छोड़ भी सकते हैं गाजर डाल सकते हैं इसकी जगह पनीर भी आप इसकी टॉपिंग पर डाल सकते हैं अगर आपके पास पनीर अवेलेबल है तो थोड़ी थोड़ी सी मैं डाल दूंगी शिमला मिर्च मेरे पास जो सब्जी थी मैंने वही काट कर रखी थी तो ये सब पर तो शिमला मिर्च होती है और अगर गाजर होती तो कलर के लिए वो डालती लेकिन मैंने टमाटर काट लिए थे टमाटर के बीज हटा दिए थे और उनकी स्किन स्किन काट ली थी तो इस तरह मैं थोड़े थोड़े से टमाटर भी डाल दूंगी इन पर सब पे तो लीजिए जी सब्जियों से भरपूर हो गया हमारी ब्रेड अब हमारा बनेगा ब्रेड पिज्जा तो अब हमें क्या करना है जो ये मार्केट से कसा हुआ चीज आता है तो इस पर ये डाल देंगे अगर आपके पास स्लाइस है तो आप इसके ऊपर एक स्लाइस रख दीजिए अगर स्लाइस नहीं है तो आप इस तरह कसा हुआ पन ये क्या बोलते हैं इसको चीज आता है ये मुझे साठ रुपये का सौ ग्राम मिला तो आप ये डाल सकते हैं डेरी पे मिल जाएगा आपको जहाँ दही और दूध मिलते हैं तो ये हमारी बनकर तैयार होगी है बिल्कुल अब इसके ऊपर हम थोड़े से मसाले डाल देंगे मिक्स सब्स डाल देंगे चिली फ्लैक्स डाल देंगे जो भी आपको टिक लगे वो सब आप डाल सकते हैं मसाले इस पर थोड़ी थोड़ी सी मैंने डाल दी है इस पर सॉस ऊपर से चिली और देखो ये भी इधर से बिल्कुल करारे सिक गए हमारे जो तवे पर सिक रहे थे सूजी वाले जब मैं आपको कट करके कर दिखाती हूँ देखो कितने अच्छे से पके हैं तो इस तरह आप इन्हें भी काट के सर्व कर सकते हैं वो मैंने तिरछा काटा है इसको मैं आपको इस तरह काट करके दिखाती हूँ देखो सब्जियाँ बिल्कुल अच्छे से पक गई हैं सूजी भी पक गई है आप सूजी का कलर देख सकते हैं और तीनों पीस मैंने उतार लिए हैं और काट दिए हैं अब हमने जो पिज्जा तैयार किए हैं उनमें से एक हम बनाएंगे तवे पर तो एक तवे पर रख देंगे बिल्कुल मंदी गैस कर देंगे और अगर आपको ढक्कन लगाना है तो आप ढक्कन रख के पका सकते हैं लेकिन ये ढक्कन अगर मैं इस पर रख रही थी तो ये चिपक रहा था तो फिर मैंने ऐसे ओपन पकाने के बजाय इसके ऊपर क्या किया एक कटोरा लिया अब वो कटोरा ढक दिया ऐसा और गैस कर दिया मंदी तो इसमें ये पक जाएगा तवे पर पकाने का तो ये तरीका है और अगर आपको ओवन में पकाना है तो प्री हीट कर लीजिए ओवन को और वन एट्टी डिग्री पे इसको रख दीजिए इस पर दस मिनट के लिए तो बीच बीच में चेक करते रहिए आपके पिज्जा बन के तैयार हो जाएंगे नहीं तो जब आपका चीज़ मेल्ट हो जाए आप तब तक इसको पका सकते हैं तो चलिए जब तक बन रहा है तब तक हम चेक कर लेते हैं तवे वाले को तवे वाले को चेक करते हैं और कटोरा गर्म हो गया था बहुत ज़्यादा लेकिन जुगाड़ लगा कर मैंने भी उठा ही लिया है देखो चीज इसका मेल्ट हो गया है बहुत अच्छे से अब हम इसको थोड़ी देर और पका लेंगे और फिर दिखाते हैं आपको कट करने के बाद इस तरह आप अपने बच्चों को दीजिए बना के घर में ही पिज्जा का आनंद लीजिए ये आपकी बिल्कुल फ्रेश सब्जियों से बना हुआ होगा तो लीजिए जी चीज़ मेल्ट हो गया बिल्कुल नीचे चला गया मैं आपको कट करके दिखाती हूँ और ये बड़ा करारा सा क्रिस्पी सा बना था और चीज़ भी बिल्कुल इसमें एकदम से मेल्ट हो रखा है देखो देखो कितना अच्छा हो रहा है ना है ना बिल्कुल मार्केट जैसा तो चलिए फायल को दे देते हैं इसे खाने के लिए और हमारे जो माइक्रोवेव में बन रहे थे वो भी तैयार हो गए हैं मैं आपको कट करके दिखाती हूँ इन्हें भी और ये तो बिल्कुल ही इतने अच्छे बने हैं जैसे मार्केट का पिज्जा आता है ना वैसे क्योंकि चीज इन पे ज्यादा था और मेल्ट अच्छा हो गया है और बड़े अच्छे बहुत गरम गरम हैं अभी इस समय क्योंकि अभी अभी मैंने निकाले हैं माइक्रोवेव से तो आप देख सकते हैं देखो कितने अच्छे बने हैं तो एक ब्रेड का पैकेट ला के और एक सौ ग्राम चीज ला के आप अपने बच्चों को भरपेट खिला सकते हैं चीज पिज्जा बना के ब्रेड पिज्जा कैसा बना ये 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 अच्छा है है लो ये भी बन गए सारे खा लो पायल सारे खा लो नहीं खाना भर गया भाई भर गया पिज्जा तो बन गया है लेकिन बाहर एक साधु बाबा आया है वो खाना मांग रहे हैं अब खाना इस समय रोटी तो है बनी हुई नहीं एकदम से मैंने पूछा आप ब्रेड खा लोगे तो मैं सेक देती हूँ तो मैं उनके लिए फटाफट ब्रेड सेक देती हूँ और चाय बन गई है इतनी जल्दी जल्दी करके बना रही हूँ एक पे दूध चढ़ाया है एक पे चाय फटाफट बन जाए और ये चाय बोल बोल है अब बस फट ब्रेड भी जाएंगी घी लगा देती हूँ जब कोई ऐसा मांगता है ना खाना और हम दे नहीं पाते तो बड़ा दुख सा होता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फटाफट सब्जी रोटी बना दूं लेकिन कैसे करूँ इतनी जल्दी नहीं हो पाने का तो इसलिए मैं उन्हें ब्रेड ही सेक के दे रही हूं अभी फटाफट लेके चलते हैं उनके पास बाबा के लिए चाय बन गई है मैं देने जा रही हूँ ठीक है और मैंने अभी नहीं खाया है लेकिन ये बाबा आ गए तो तो पहले मैंने चाय और ब्रेड देने आ गई हूँ और मैंने पिज्ज़ा इनको इसलिए नहीं दिया क्योंकि पिज्ज़ा में प्याज पड़ी है और मैं किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती कि भाई वो इतनी तपस्या अगर कर रहे हैं मांग के खा रहे हैं तो मैं उन्हें प्याज का सेवन नहीं करा सकती पता लगा मुझे इसका पाप लगे इसलिए मैंने खाली ब्रेड सेक कर दिया उन्हें नहीं तो मैं उन्हें पिज्ज़ा भी दे सकती थी और रोटी इतनी जल्दी बनती नहीं तो कभी वो चले जाते भूखे चले जाते तो भी मुझ पर ज़ोर पड़ता तो इसलिए मैंने ब्रेड और चाय दे दिया उन्हें बहुत अच्छा बना है सब्जी वाला भी बताती लगाती वाला भी अच्छा बन रहा है और अब मैं बना रही हूं ये एक मेरे पास जैम का जार खाली हुआ था तो इससे कि इसमें सोचा कि क्या बनाऊँ तो मुझे लगा कि कई बार ऐसा है ना कि जार की जरूरत भी हो जाती है तो इसलिए ज़्यादा कुछ डेकोरेट नहीं करती हूँ इसको बस इसकी गर्दन पे सुतली लपेट दिया है और उसके बाद ये चैन लगा दूँगी तो इससे होगा क्या कि अगर मुझे कभी इस डब्बे की जरूरत पड़ेगी तो मैं ये सुतली और ये लेस हटा के इसे फिर से यूज कर सकती हूँ तो अभी इसमें मैं बस थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है और ये एक रस्सी ले पतली जो मेरे पास मोती रखे थे ना तो इन मोतियों को इसमें पिरो लूँगी चारों मोती पिरो लिए मैंने इसमें और इनके सिरों पर गिर लगा के दोनों तरफ मतलब मोटी मोटी सी गांठ लगा के और इन्हें चिपका दूंगी ताकि मोत, मोती निकले ना और इस डब्बे पे बांध दूंगी तो थोड़ा सा डब्बा डेकोरेट भी हो जाएगा और डब्बा अगर कभी मुझे चाहिएगा तो मैं इसे खोल के यूज भी कर सकती हूँ तो ज़्यादा डेकोरेट मैंने नहीं किया है और इससे क्या होगा मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि किचन के बाहर में थोड़ी सी ग्रीनरी ऐड करूँ तो इसमें मैं लगा दूँगी मनी प्लांट तो लीजिए हमारा ये बन के तैयार है और आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं जो भी आपके घर में सामान हो उसी से तो लीजिए ये बन के तैयार हो गया अब मैं आ गई हूँ बाहर जहाँ ये मेन डोर पर रख रखे हैं ना मैंने प्लांट तो ये बहुत छोटा सा गमला है इसमें लगी हुई है मनी प्लांट तो ये मैं इन्हें घुमाती रहती हूँ लेकिन ये फिर भी काफ़ी बड़ी हो गई है तो मैंने सोचा कट कर देती हूँ तो नई वो निकल आएंगी और ये और भूसी सा हो जाएगा तो देखो कितना छोटा सा गमला है लेकिन मनी प्लांट बड़ी अच्छी चल रही है इसमें तो मैंने दो टुकड़े इसमें से काट लिए इन्हें ही उसमें लगा देंगे हम तो इसमें मैंने जो टेबल में डलते हैं ना वो कांच वाले पेबल्स से ये डाल दिए हैं थोड़े से ये डालने के बाद में इसमें ये मनी प्लांट जो है इसको कट करके दो जगह से कुछ इसके पत्ते कट कर दूंगी जो नीचे की साइड होंगे और इसको लगा दूंगी तो लीजिए ये चार पीस बन गए हैं इसमें लगा दिया मैंने और हमारा ये मनी प्लांट का पौधा और दोनों तैयार हो गए हैं इसको आप कहीं भी रखिए ये आपके घर की सुंदरता बढ़ाता रहेगा अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ तब तक के लिए सभी को राधे राधे और बाय बाय